और इन सभी बातों से ये एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर बच्चा मेजोरिटी को अटेंड कर लेता है, यानी कि 18 साल को वो पूरा हो जाता है, लेकिन अगर वो फिर भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ है, या वो अपनी हायर स्टडीज़ कर रहा है और उधर से ना तो वो बच्चा ही अपना पढ़ाई को पूरी कर पा रहा है और ना ही उसकी माता ही उस बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा खर्च कर पा रही है, तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे बार बार एक सवाल पूछते हैं कि क्या एक वयस्क बेटा अपने पिता से मेंटेनेंस मांग सकता है? कैन अ मेजर सन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हिज फादर? बहुत सारे लोग इस बात पर हैरान और परेशान रहते हैं कि कानून ये कहता है कि एक बेटा सिर्फ वयस्क होने तक ही अपने पिता से मेंटेनेंस मांग सकता है, तो क्या करे वो बेटा जो वयस्क होने के बाद भी अपने पैरों पर ना खड़ा हुआ हो? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। मेंटेनेंस अपने आप में एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है। ये फूड, क्लोथिंग और शेल्टर सभी चीज़ों को अपने अंदर सम्मिलित करता है जो कि एक पत्नी अपने पति से स्वयं के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी क्लेम करती है। और हर एक पति का ये नैतिक के साथ साथ कानूनी कर्तव्य भी है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों का सही तरह से ध्यान रखे। अब जहाँ तक इंडिया की बात करें, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर जगह पर अलग अलग कानून अलग अलग कस्बों में चला करता है, लेकिन एक यूनिफॉर्म जो कानून है वो यही कहता है कि हर एक बच्चे का ध्यान पति तभी तक रखेगा जब तक वो वयस्क ना हो जाए। अब देखिए, कानून तो यही कहता है कि बच्चा चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, वो अगर मेंटली या फिजिकली अनफिट है तो वो किसी भी उम्र की सीमा तक अपने पिता से क्लेम मांग सकता है, चाहे वो 18 साल से ऊपर का हो गया हो। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी महसूस किया जाता है कि भारतीय समाज में 18 साल का बच्चा मेजर होने के बाद भी बहुत बार अपनी पढ़ाई कर रहा होता है या अपने पैरों पर ठीक तरह से नहीं खड़ा होता, तो ऐसी स्थिति में क्या उस बच्चे को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाए? ये कहा था जस्टिस लोकुर साहब ने। अभी हाल फिलहाल में एक लैंडमार्क केस आया था, उर्वशी अग्रवाल वर्सेस इंद्रपाल अग्रवाल जी का, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली इस बात को कहा कि अगर लड़का 18 साल का हो गया हो तो पिता का कर्तव्य यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। अगर बच्चा अभी भी हायर स्टडीज़ कर रहा है और उसकी माता उसको मेंटेन करने में असमर्थ अपने आप को महसूस कर रही हो, तो यहाँ पर पिता का ये कर्तव्य रहेगा कि वो अपने बेटे का 18 साल से ऊपर होने के बाद भी उसकी स्टडीज़ का ध्यान रखे। इसी तरह की एक और जजमेंट का हवाला देना चाहूँगी जो कि 2005 में डिलीवर की गई थी। ये केस था जय वर्धन सिंह चपटकोट वर्सेस अजय वी चपटकोट। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस बेटे को इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट करते हुए ये कहा था कि हालांकि ये बेटा मेजॉरिटी को अटेन कर चुका है, लेकिन फिर भी एजुकेशनल ग्राउंड्स पर इस बेटे को मेंटेनेंस देना उसके पिता का कर्तव्य रहेगा, क्योंकि वो अभी भी एक स्टूडेंट है और उसकी माता या वो स्वयं अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस को बियर करने में अनेबल है। तो कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये बात कही, अ मेजर सन ऑफ द वेल एजुकेटेड फैमिली एंड इकोनॉमिकली साउंड पेरेंट्स कैन क्लेम एजुकेशनल एक्सपेंसेस फ्रॉम हिज फादर इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज अटेंड मेजॉरिटी। इसी तरह से एक और केस में भी जजमेंट आया था, रीता दत्ता वर्सेस शुभेंदु दत्ता। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिता के ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगा अपने बेटे की मेंटेनेंस का, क्योंकि वो अभी भी स्टूडेंट है और उसकी माता की अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पांच लोगों को, क्योंकि
उसकी माता और वो चार बच्चे उन लोगों को वो अच्छी तरह से पाल सके या उनकी एजुकेशन का ध्यान रख सके। इस केस में पांच लोग, जिसमें माता जी और चार बेटे, जिसमें से एक बेटा जो कि मेजोरिटी को अटेन कर चुका था, वो ऐसी पोजीशन में नहीं था कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके। तो कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि मेजर सन के पिताजी जब तक उस बच्चे के लिए मेंटेनेंस देते रहेंगे जब तक वो अपनी पढ़ाई को ख़त्म ना कर ले। इसी तरह से 2016 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट को डिलीवर किया था इन फेवर ऑफ ए मेजर सन, और यही कहते हुए कि मेंटेनेंस जो है वो अपने पापा से उसको लेना बनता है। ये केस था टी विमला वर्सेस रामाकृष्णन। इस केस में भी कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कहा था, एज एजुकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ एंड नो फादर इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग अप हिज चाइल्ड एज अ क्रिमिनल और अ डिसऑर्डरली पर्सन, दस दे ऑट टू मेंटेन देयर सन्स एक्सपेंसेस। सेक्शन 125 के लिए बहुत क्लियरली कहा गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ जीवन और खाना देने के लिए नहीं है, बल्कि जब तक बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और वो अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए, तब तक एक पिता का कर्तव्य रहेगा अपने बेटे का लालन पोषण करने के लिए। इसी तरह के बहुत सारे फैसले बार बार कोर्ट्स के द्वारा, हाई कोर्ट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किए जाते रहे हैं, और इन सभी बातों से ये एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर बच्चा मेजोरिटी को अटेंड कर लेता है, यानी कि 18 साल को वो पूरा हो जाता है, लेकिन अगर वो फिर भी अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ है या वो अपनी हायर स्टडीज़ कर रहा है और उधर से ना तो वो बच्चा ही अपना पढ़ाई को पूरी कर पा रहा है और ना ही उसकी माता ही उस बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा खर्च कर पा रही है, तो एक पिता का ये कर्तव्य रहेगा कि जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी ना कर ले, जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, तब तक उसके पिता उसको फाइनेंशियली मेंटेनेंस देते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को भली भांति ये बात मालूम हो गई होगी कि भारतीय समाज में सिर्फ 18 साल के बाद कोई भी पिता ये कह करके अपने इस कर्तव्य से दूर नहीं भाग सकता कि बच्चे ने 18 साल पूरे कर लिए हैं, अब मैं इसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा, क्योंकि कानून भी यही कहता है। बल्कि भारतीय समाज में आप सभी पिताओं को अपने उन मेजर बच्चों को भी तब तक मेंटेनेंस देना होगा जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते या अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेते। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।